खुदा ही जानने की कल मैं मच्छर तक कैसे पहुंचूंगा। ये क्या है और ये मेरे पास कैसे आया? ये कैसे भूल गया? ये तो मुच्छड़ का है, लड़ते वक्त कपड़ों में फंस गया होगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये बुलबुल चाचा ने मुझे ढोलू खान दिया था और अब मेरे पास मुच्छड़ का कलाई बंद भी है। अम्मी हमेशा कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब आप ही की दुआ है अम्मी। अब ये मुच्छड़ की कलाई बंद ही मुच्छड़ को अंगूठी के जिन तक पहुंचने से रोकेगी। ढूंढो खान जी, ये लीजिए मुच्छड़ की कलाई बंद और अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि कल आपको मिस्र के मुहिम में इसके जरिए ही मुझे मुच्छड़ तक पहुंचाना है। अरे अलादीन, सुबह ही तो मैंने कमरा समेटा था, तूने ये सारे कपड़े फिर क्यों फैला दिए? अम्मी, मुझे मिस्र की मुहिम में बगदाद की नुमाइंदगी के लिए चुना गया, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ, सुबह सुबह निकलना है। सच? हाँ। मेरा दिल कहता है तू इस मुहिम में जरूर कामयाब होगा। ऐसा क्यों अम्मी? क्योंकि तू वो करने जा रहा है जो तेरे अब्बू किया करते थे, दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी। अम्मी, मैं बड़े मुल्क जाके कोई बादशाह या वजीर से मिलने नहीं जा रहा हूँ, छोटा सा काम है वही करने जा रहा हूँ। मुल्क और अम्मी के लिए क्या हुआ, कोई भी काम छोटा नहीं होता अलादीन, कोई भी लंबा सफर छोटे छोटे कदमों से ही तय किया जाता है। तू भी इन छोटे छोटे कदमों से इस सफर को तय करेगा, तभी तो तेरे अब्बू को तुझ पर नाज होगा। इतना लंबा सफर तय करने जा रहा है, कितना काम करना होगा, खाना बांधना होगा, मिठाइयां बनानी होंगी। मैं अभी सब तैयारी करती हूँ। लेकिन आका, तुम तो यहाँ रह के मुच्छड़ का पता लगाने वाले थे ना? जिन्हों मुच्छड़ अपने नापाक इरादों के साथ अंगूठे के जिनको हासिल करने मिस्र जा रहा है और मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन आका, ऐसी खतरनाक जगह तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम मलिका की काले जादू के बारे में नहीं जानते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिनू, मुझे तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है, मैं चाची को बता के जाऊंगा कि मैं 1000 अशर्फियां लेने मिस्र जा रहा हूँ, उसके बाद भी तुम देखना मेरी गैर हाजिरी में वो लोग हमारे खिलाफ साजिश रचने में पास नहीं आएंगे। तुम फिक्र मत करो आका, तुम बाप के बेटे होने का फर्ज निभाओ और मैं अम्मी के बेटे होने का फर्ज निभाता हूँ। जिस तरह चाचा चाची को आज मैंने नाकाम किया, उस तरह रोज नाकाम करूंगा। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही है, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुच्छड़ के जाल में फंसने जा रहे हो। जिनू, मैं वहां अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरे साथ दो साथी और भी हैं। एक मेरी अम्मी की दुआएं और दूसरी नकचड़ी। प्यारी परेशानी जी, शुक्र है प्यारी परेशानी जी भी तुम्हारे साथ जा रही है। इतनी नफरत के बीच कोई प्यार करने प्यारी प्यारी बातें करने वाला, प्यारी प्यारी बातें करने वाला। और वैसे भी प्यारी परेशानी जी तुम्हारी अच्छी दोस्त है और एक अच्छा दोस्त पूरी फौज में भारी होता है। जिनू, वो मुच्छड़ मेरा बाल भी भागा नहीं कर पाएगा। अपना ख्याल रखना आका, और मेरे हिस्से का मिस्री खाना भी खा लेना आका। कितने खुश लग रहे हैं, खुदा करे इन्हें कामयाबी दे और मुझे भी।
टुनू खान अब आपका काम शुरू। ये लीजिए छड़कर कलाई बंद, और मुझे अब जल्दी से बताइए वो कहां मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने अम्मी अब्बू की तरफ से उसे सालों की ईदी देनी है। होशियार, खबरदार, आप सभी के सामने बगदाद के वजीर आला तशरीफ ला रहे हैं। हम बगदाद के वजीर आला जफर इस मुहिम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आप सभी बगदाद के चिराग हैं, चिराग, और वक्त आ चुका है इन चिरागों के जलने का। मिस्र की इस मुहिम में जलने के लिए बेकरार आप सभी नुमाइंदों को जफर सलाम करता है। बगदाद सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हम आप सबको किसी से मिलवाना चाहते हैं। अशफाक मियां, ये अशफाक, इनमें वो हुनर है जो आसमां, सितारे, हवा, बारिश, इन सब का रुख देखकर आगे का रास्ता बता सकते हैं। इसीलिए मिस्र की मुहिम का रास्ता भी ये बताएंगे। मिस्र की मुहिम के सरपरस्त अशफाक मियां होंगे। बस जाने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं। हमारी इस मिट्टी को गौर से देख लीजिए, क्योंकि मिस्र जाने के बाद ये मिट्टी आप लोगों को बहुत याद आएगी, और ये मिट्टी भी आप लोगों को बहुत याद करेगी। वज़ीरे आला सलामत रहे, सलामत रहे। वाह, क्या बात है। एक लम्हे के लिए तो हम भी समझ बैठे थे कि आप ही बगदाद के वफादार हैं। कसूर तुम्हारा नहीं है अकबर, दरअसल हम अदाकार ही इस तरीके के हैं। यकीन मानो कई बार वजीर आला का किरदार निभाते निभाते हम खुद को भूल जाते हैं। वाह, बहुत खूब, होड़ होड़ अच्छा। कसूर, अगर आप कहें तो साथ चलने वाले कातिल को ले आओ। मैं जो कुछ भी करना है अकबर, जल्दी करो, हमें बस जल्द से जल्द उस अंगूठी के चिन्ह तक पहुंचना है। जी हुजूर, जा सकते हैं। सलाम वजीर आला। सलाम शहजादी, आप इस लिबास में यहाँ इस वक्त सब खैरियत? जी, हमने फैसला किया है कि हम इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। बगदाद के लिए और उसकी आवाम के लिए ये मुहिम मिस्र जा रही है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? दिल जीत लिया आपने हमारा, मतलब बेहद खुशी हुई ये जानकर। आप कहाँ खो गए? जी, हम सोच रहे थे आप इस फेस में। वो हम अपनी आवाम के बीच रहना चाहते हैं।
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा शहजादी होना आप किसी के सामने ना आने दें। नकचड़ी, नकचड़ी! नकचड़ी! या अल्लाह, इसे भी हमें अभी आवाज देनी थी। वजीर आला ने पूछ लिया कि ये लोग हमें कैसे जानते, तो हम क्या जवाब देंगे? नकचड़ी! ये लड़का कौन है? कसम सोने की अशरफियों की, तुम तो यहाँ दुम दबा के बैठे थे और वहाँ उस रुखसार ने जावेद मियाँ को भगा दिया। ये इब्ने बतूता का नहीं, मैं कहती हूँ ये चुड़ैलों और भूतों का खानदान है। अरे बेगम, चुड़ैलों का नहीं, सिर्फ एक चुड़ैल का। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और उस मनहूस जावेद को भी न जाने क्या हुआ, ऐसे दुम दबा के भागा जैसे वाकई में भूत देख लिया हो। अम्मी, शेख जिनू चुड़ैल है। ओ अकल के अंधे, गेंडे को चुड़ैल नहीं कहते। और ये अपनी बकवास बंद कर, अगर ये बात बाहर फैल गई ना कि हमारे घर में भूत चुड़ैल है, तो एक भी किराएदार नहीं आएगा। और क्या अब्बू, आप सारा दिन घर में रहकर अम्मी की जूतियां खाते हो, इससे तो अच्छा ये होगा कि आप उस घर में किराए पर रह लो। सोचिए, आपको आपकी पसंद का किराएदार मिलेगा। मैं खुद। और किराएदार को अपनी पसंद का मकान मालिक। मैं खुद। मुस्तफा उर्फ रुस्तम बगदाद, ये लो। क्या कर रहे हो अबू? पेशगी दे रहा हूँ किराए के मकान की। पेशगी? क्या मनहूसियत फैला रहे हो? कुछ भी नहीं बेगम, कुछ भी। माफ करना बेगम, भैंस पे बैठा बगला ख्वाब देखने लगा था। नहीं, कुछ नहीं। और गुल्लू? गुल्लू मेरे बच्चे, तू क्या चुड़ैल चुड़ैल करता रहता है? अम्मी, मैं सही कह रहा हूँ, हमारी सारी मुश्किलों की जड़ शेख जिनू है, चाची जान नहीं। क्यों मेरे बच्चे, तूने उसे कुछ करते हुए देखा? क्यों अम्मी, आपने चाची जान को कुछ करते हुए देखा? नहीं देखा ना। फिर भी आप इतने यकीन से कह रहे हैं कि ये सब कुछ चाची जान ने किया है? मैं भी यकीन से कह रहा हूँ अम्मी, ये सब कुछ शेख जिनू ने किया है। वो ना हो अम्मी, जरूर शेख जिनू काला जादू करता। अरे रहने दे गुल्लू, आग जानता है काला जादू, वो तो बस दिन भर खाता रहता है और हबीबी हबीबी करके गरीबी फैलाता रहता है। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता गुल्लू। यही तो आप दोनों नहीं समझ रहे हैं, वो जितना मासूम दिखता है ना, उतनी पहुंची हुई चीज है। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता। चुप हो जाओ दोनों। नहीं मानती, नहीं मानता, पागलू मैं? नहीं, नहीं। हो ना, उस शेख जिनू का राज तो मैं जानकर रहूंगा। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने शेख जिनू, अब और नहीं, क्योंकि अब गुलबदन तुम्हारे पीछे पड़ गया है और बहुत जल्द मैं तुम्हें यहां से भगा कर रहूंगा। ये खबीस शहजादी को इस तरह क्यों बुला रहा है? समझू? कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। आप इस लड़के को जानती हैं शायद? वजीर आला, बगदाद के वजीर आला को आखिर कौन नहीं जानता? लेकिन आप इन लड़कों को नहीं जानते होंगे ना? सलाम वजीर आला, मैं। अब हमें मौका दीजिए, हम आपको इन सबसे मिलवाते हैं।
आप सभी आगे आइए। ये सभी वही लड़के हैं जिन्होंने बगदाद के लिए तेल की खदान में इतनी मेहनत से काम किया। इन सब की वजह से बगदाद को तेल का कुआं मिला है। ये सभी नेक और ईमानदार लड़के हैं और इस मुहिम में भी इसीलिए शामिल होने का इन्हें मौका मिला है ताकि ये बगदाद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। वजीर आला, ये अलादीन। नाम तो सुना होगा। जी नहीं। कैसे सुना होगा, लेकिन अब सुन लेंगे। अब ये वही लड़का है जिसने तेल की खदान में सबसे पहले तेल ढूंढा था। और धमाकों को होने से भी इसी ने बचाया था। अगर ये वहां नहीं होता तो बहुत तबाही मच जाती और तेल जलकर राख हो जाता। और ये भी कह सकते हैं कि इस मुहिम के पीछे सबसे बड़ा हाथ अलादीन का ही। इस लड़के की वजह से हमारे मंसूबों पर पानी फिर रहा था। जानकर खुशी हुई कि बगदाद में तुम्हारी तरह बहादुर नौजवान भी हैं। शुक्रिया। बगदाद के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, यूं कह लो कि बर्बाद होने से बचा लिया। अभी तो बहुत कुछ करना है बगदाद के लिए वजीर आला। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब मैं मिस्र की मुहिम से लौटूंगा तो आपको मुझ पर और भी ज्यादा फक्र होगा। तुम्हारा जज्बा कबूल तारीफ है। क्या करना चाहोगे मिस्र जाने के बाद? अम्मी कहती मंजिल पे पहुंचकर जीत का ढोल बजाना चाहिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी जीत बगदाद की जीत होगी। बरखुलदार, बेहद खुशी हुई तुमसे मिलकर। शुक्रिया। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत है। आपकी भी उम्र के हिसाब से आपकी भी पकड़ काफी मजबूत है। मेरा मतलब है कि मेरे इरादे ही मजबूत है वजीर आला। नए जमाने के नए पौधों को अक्सर गुरूर बहुत होता है उनमें। गुरूर नहीं, यकीन। हमने इस यकीन को अपनी जिंदगी में अक्सर टूटते हुए देखा है। मेरी अम्मी कहती है जो टूट जाए वो वहम, जो रह जाए वो यकीन। इस मुहिम में बहुत कुछ टूटेगा और बहुत कुछ रह भी जाएगा। इस सफर के खत्म होने के बाद आप खुद मेरी तारीफ करेंगे। देखेंगे, फिलहाल तो इस मुहिम की शुरुआत करने का वक्त आ रहा है। हम चलकर तैयारियां करते हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त कि आप लोग तैयारी की शुरुआत करें। आपसे मिलकर अच्छा लगा वजीर आला। बेशक। हमें यकीन है कि अब तक अपने सीने में इंतकाम की आग लिए काला चोर भी पहुंच गया होगा।
तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली ना चुड़ी। वजीर आला को इतने अच्छे से कैसे जानती हो? अब वो मैम हम महल में बैठे तुम दोनों काम तो इतनी तेजी से घूम रहे हैं, इसका मतलब मुच्छड़ यही कहीं आसपास है। लगता है मुच्छड़ यही आसपास है। ये दोनों काम तो इस तरह इशारा कर रहा है। चलो अलादीन, 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 मुच्छड़ यहाँ है इसका क्या मतलब, और ये क्या है, और ढूंढू कहाँ का क्या मतलब होता है? ढूंढू कहाँ नहीं, ढूंढू कहाँ। इसमें तुम किसी की भी जाती चीज डालोगी ना तो तुम ये तुम्हें उसके पास पहुंचा देगा। वो तो कहो कि मेरे पास मुच्छड़ का कलाई बनता। देखो इसका कांटा बता रहा है कि मुच्छड़ उस तरफ है। क्या उस तरफ?